खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदेर से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जब दाया हाथ उड़ा तो गोल्ड मेडल को बनाया बाएं हाथ का खेल। अमूमन जब किसी का कोई अंग बेकार हो जाता है तो लोगों का मनोबल टूट जाता है, लेकिन कई ऐसे जाबाज भी होते हैं जो हार नहीं मानते। ग्रेनेड ब्लास्ट में दाहिना हाथ जख्मी होने के बाद बाएं हाथ से लगाया ओलंपिक गोल्ड पर निशाना। उनके दाहिने हाथ में पिस्टल सफलता का पर्याय माना जाता था। उनका निशाना लक्ष्य को भेद ही डालता था। ऐसे में ओलंपिक में हुनर दिखाने की उनकी ख्वाहिश बहुत स्वाभाविक थी, लेकिन इतने बेहतरीन शूटर का ओलंपिक में प्रवेश इतना आसान नहीं हुआ था। और कुछ बता दें, उससे पहले ये बता दें कि बात हो रही है हंगरी के महान शूटर कैरोली टकास की। वो एक बेहतरीन शूटर के साथ हंगरी के आर्मी मैन भी थे। 1936 बर्लिन ओलंपिक में वे इसलिए हिस्सा नहीं ले सके क्योंकि तब केवल कमीशन्ड ऑफिसर से इसमें हिस्सा ले सकते थे। जब ओलंपिक से ये नियम हटा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 1940 ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने का सपना लिए टकास अभ्यास में जुट गए, लेकिन तभी एक दिन 1938 में आर्मी ट्रेनिंग के दौरान एक फॉल्टी ग्रेनेड ब्लास्ट में उनका शूटिंग हैंड यानी कि दाहिना हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। ऐसा लगा जैसे सब खत्म, लेकिन हार नहीं मानने के जज्बे के साथ उन्होंने अपने बाएं हाथ से अभ्यास शुरू किया। किस्मत का खेल देखिए, विश्व युद्ध के कारण 1940 और 1944 में ओलंपिक का आयोजन हो ही नहीं सका, पर उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया जो कि आई 1948 लंदन ओलंपिक में। लेफ्ट हैंड से ही उन्होंने पिस्टल थामी और निशाना सीधे सोने के पदक पर लगाया। इसके बाद 1952 ओलंपिक्स में भी उनके निशाने पर सोना ही रहा। कैरोली टकास के जज्बे को हमारा सलाम।